किस्मत साथ देती है बहादुरों का। बेबीलोन फारस, ईसा पूर्व 323। अलेक्जेंड्रिया, मिस्र, 40 साल बाद। हमारी सल्तनत तब खत्म हो चुकी है इन जंग की चपेटों की वजह से। मैं अब तक उनके शरीर की रखवाली करता आया हूं, मिस्र के तौर तरीकों से उनके तख्त का वारिस बना। 40 सालों से राज कर रहा हूं मैं एक विजेता हूं। पर यह सब बेमतलब सा लगता है जब याद करने वाला कोई बचा ही ना हो। वो महान सेना गोगामेला की, या तो वो पहाड़ हिंदू कुश के, जिन्हें पार करके लाखों की तादाद में हमारी सेना हिंदुस्तान में दाखिल हुई। वो देवता जैसी हस्ती थी कैडमस। मैं आज तक कभी वैसी हस्ती से नहीं मिला। थानाशाह कितनी आसानी से कह देते। हंसी आती है मुझे। कोई तानाशाह दुनिया के लिए इतना नहीं करता। ये आजकल के लड़के क्या जाने दुनिया को। कैडमस, बहादुर लोग ही राज करते हैं। सिकंदर के क्या कहने थे, वो एक महान इंसान और एक कमाल का जिंदा दिल दोस्त था। उससे पहले लोग कबीलों में रहते थे, उसके आने के बाद सब कुछ मुमकिन सा हो गया। अचानक सबको महसूस होने लगा कि एक बादशाह सारी दुनिया पे राज कर सकता है। उसी में सबकी भलाई है। सिकंदर ने 18 महान राज्य बनाए। वो एक ऐसी सल्तनत थी जहां सिर्फ सोने की खनक नहीं, समझदारी की चमक भी थी। उस प्राचीन सभ्यता के दरवाजे सबके लिए खुले थे। उसका बखान कैसे करूं? मैं कैसे कहूं कि एक नौजवान होना क्या होता है, बड़े ख्वाब देखना क्या होता है, और ये भी कि सिकंदर तुमसे नजरें मिलाए तो तुम कुछ भी कर सकते हो। हाँ, कुछ भी। उसकी मौजूदगी में और अपोलो देवता की सरपरस्ती में हम नामुमकिन को मुमकिन करते थे। सच, मैंने जिंदगी में कई महान लोग देखे, पर सिकंदर सिर्फ एक ही था। और अब जाकर इस उम्र में मैं समझाऊंगी वो कुदरती ताकत असल में क्या थी। क्या वाकई समझा हो? क्या सिकंदर में वाकई वो खूबियां थी? बिल्कुल नहीं। हम लोगों ने ही उसे उस बुलंदी पर बिठा दिया। इंसान, सभी इंसान कोशिश करते हैं, नाकाम होते हैं, कामयाब नाकामयाब। सिकंदर से पहले पूर्व में फारस की सल्तनत लगभग पूरी दुनिया पर राज करती थी। पश्चिम में एक वक्त के महान आजाद राज्य थीब्स, एथेंस, स्पार्टा अपने ही गुरूर की वजह से तबाह हो गए। कई सदियों तक फारस के बादशाह यूनानी लोगों को सोने की रिश्वत देकर उनसे काम करवाते रहे। वो तो फिलिप थे, एक आंख वाले बादशाह जिन्होंने सब बदल दिया। उन्होंने पहाड़ी इलाकों के अनपढ़ चरवाहों को एक किया, अपने खून और अपनी हिम्मत से एक काबिल सेना बनाई जिसके आगे यूनानियों को घुटने टेकने पड़े। फिर उन्होंने फारस की ओर रुख किया, जहां कहते हैं वहां के नए महान बादशाह डेराइस बेबीलोन के तख्त पर बैठने के बावजूद फिलिप से डरते थे। जंग के इसी शेर के घर सिकंदर का जन्म हुआ था।
मैसिडोनिया के एक शहर पेला में। बाज बताए रास्ता तेरी। कुछ लोग कहते थे कि उसकी मां मल्लिका ओलंपियस जादूकरनी थी और वो खुद डायनाइसिस या ज़ियुस की औलाद था। पर असल में मैसिडोनिया का हर एक शख्स इन बाप बेटे को साथ देखकर ये सोचने पर मजबूर हो जाता था। तू हर तरह काबिल हो जीवन एक किताब जैसी। इसका शरीर पानी सा है और ज़बान शोलों से। ये तुम्हारी दोस्त है, ले लो। अगर तुम हिचकिचाओगे तो ये वार करेगी, याद रखना। कभी नहीं हिचकिचाना। ये इंसान की तरह है, तुम इन्हें सालों तक पालोगे, खिलाओगे, प्यार करोगे, फिर भी एक दिन टस लेंगे तुम्हें। इसे चोट मत पहुंचाना। शाबाश। आओ। और वो मुझे जंगली बुलाते हैं। फिलिप हर रात डायनासिस देवता का मजाक उड़ाता है। सिर्फ औरतें ही डायनाइसिस को सच्चे दिल से पूछती हैं। मेरा छोटा अकेलेस। रुको सिकंदर, वहीं रहो। क्या चाहिए तुम? छह महीने याद आई मेरी? नहीं, इधर बादशाह। किनके बादशाह? मेरी रगों में अर्कुलिस का शाही खून है। हर बर्बर जाति का खून मेरे रगों में। सिर्फ एक बेहुदा शराबी हो। जवान को लगाम से जाने किस देवता की वजह से तुझ पर नज पड़ी थी मेरी। छोड़ो मुझे। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं? वो नहीं जानते कि तुम्हारे नाजायज बच्चे हैं। लाना था तुझ पर जादू है। सांप की तरह इसे बगल में दबा के रखती है। मना किया था ना तुझे? मना किया था ना? अब हुक्म मानेगी? नहीं मानूंगी। नहीं मानेगी तो मैं तेरा कत्ल कर दूंगा। नहीं, तुम ठीक तो हो?
कभी तुम्हारा नहीं होगा, कभी नहीं। मैंने कोख में ही तुम्हारे दुश्मन को पाला है। आठ साल बाद जिन हालात में सिकंदर की परवरिश हुई थी, सिर्फ दोस्ती ही ऐसा रिश्ता था जिसमें उसे सुकून मिलता था। लड़ने के लिए सिर्फ लगन की जरूरत है। मैदान जंग में जब तुम सामने की कतार में खड़े होकर किसी जंगली बर्बर जाति का सामना करोगे तो तुम्हें तुम्हारे पेट से हिम्मत नहीं मिलने वाली नियारकस, हिम्मत मिलती है जिगर से, सिर्फ जिगर से। तुम्हें रोज खाने की जरूरत नहीं है, या फिर जब तक पेट भरा हो तौलमी, जब गर्मा गर्म शोरबा पी सकते हो तो सवेरे बिस्तर में पड़े रहने की जरूरत नहीं है कसांडर, खासकर जब रात भारी रही हो। चलो उठो सिकंदर, चलो शाबाश। कौन इज्जत करेगा ऐसे बादशाह की? क्या सिर्फ तुम्हारे पापा की वजह से करेंगे? जंग का पहला असूल है कि खुद की वही करो जो अपने आदमियों से कहते हो, न कम न ज्यादा। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत खूब हिफाज किए, अच्छी कुश्ती की, यही तो मैं चाहता हूँ। बस 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 बस, तुम अच्छे लड़े पर तुम हार गए। तुम दोनों एक दूसरे को मुबारकबाद दो, चलो। क्या तुम चाहोगे कि मैं हार जाऊं सिकंदर? आज तुम जीत गए पर एक दिन तुम्हें जरूर हराऊंगा, मैं वादा करता हूं। कहते हैं सिकंदर फिर कभी किसी से नहीं हारा सिवाय हिफाइस्टियन की अदाओं से। हालांकि बहुत छोटी जाति है फारसी लोगों की, फिर भी 80% दुनिया उनके कब्जे में है। पर क्या यह हो सकता है कि मिस्र की महान नील नदी का बहाव पृथ्वी के दूर दराज के पहाड़ों से निकला हो? कुछ सोचा आप लोगों ने? अगर ऐसा हो तो एक तजुर्बेकार नाविक यहां पहुंच सकता है, इस नदी के जरिए सीधे हिंदुस्तान के इलाके में, और फिर वहां से पूर्वी महासागर में, जो कि दुनिया का अंत है, और फिर नील के इस रास्ते से वापस मिस्र में, इस समंदर से होकर अपने घर यूनान में। काश कि ये मेंढक यूनान से बाहर देख सकते और जानते कि ये किन किन इलाकों में झंडे गाड़ सकते हैं। यूनान दुनिया पर हुकूमत करता। ऐसा क्यों है कि जिन जगहों के नाम आप ले रहे हैं वो हमने सिर्फ कहानियों में सुने हैं? हिंदुस्तान, जहां की हरक्यूलिस और डायनासिस गए थे, आज तक जो भी पूरब की ओर गया है, थीसिस, जेसन, एकिलिस, जीत कर ही वापस आए हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी कहानियां सुनाते आए हैं। क्यों? शायद सच्चाई हो उनमें? बहादुर औरतों के किस्से? नहीं सिकंदर, आम लोग ऐसी बातें मानते हैं, वो किसी भी बात पर विश्वास करते हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ सीखने आए हैं, न कि बेबुनियाद सोच विचार करने। पर जैसा कि आप कहते हैं कि अगर हम फारसियों से बेहतर हैं, तो हम राज क्यों नहीं करते उन पर? ये तो हमारा ख्वाब रहा है कि हम यूनानी पूरब में जाएं। लोगों के ख्वाबों को कुचलना हमेशा से पूरब की खासियत रही है सिकंदर। उस्ताद जी। हाँ? उस्ताद जी, अब पूछो भी। ये फारसी इतने जालिम क्यों हैं? ये आज का विषय नहीं है निरकस, पर ये सच है कि पूरब के लोग अपनी बर्बरता के लिए मशहूर है और अपनी जिस्मानी भावनाओं के गुलाम है। किसी भी चीज की ज्यादती इंसान को पतन की ओर ले जाती है, इसीलिए हम यूनानी उनसे बेहतर हैं। हम अपनी भावनाओं को काबू में रखते हैं, संयम रखते हैं। ऐसा लगता तो है। फिर अकेले ट्रॉय में क्यों हार गए उस्ताद जी? उनका रवैया गलत नहीं था? अकेलेज में संयम की कमी थी। वो दूसरे लोगों पर इस कदर हावी रहता था कि जंग से लौटने के बाद भी, अपने महबूब प्रोटाकुलस को खोने के बाद, उसने अपनी सेना को खतरे में डाल दिया। वो बहुत ही खुदगर्ज इंसान था। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अकेले और पेट्रोकुलस का प्यार गलत था? बताइए। जब हवस की आग इंसान को अपनी चपेट में ले लेती है और वो हथियार डाल देता है तो अंजाम बहुत बुरा होता है। हद से ज्यादा जज्बात ठीक नहीं होते कैसेंडर, खास तौर पर जलन। जब दो इंसान दोस्त बन जाते हैं तो वो एक दूसरे के साथ बहुत कुछ बांटते हैं, वो पाक होता है, अच्छा होता है।
और जब वो एक दूसरे की हौसला अफजाई करते हैं, उन्हें बढ़ावा देते हैं, तो उनका रिश्ता एक नया इतिहास रच सकता है और अंधे कुएं के मेंढकों को बाहर निकाल सकता है। फिलिप, हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए एथेंस से अरस्तु को लाए थे और अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए वो फारस पर हमला करने। जाओ वापस जाओ, इसकी सवारी अब मैं करूंगा। इस घोड़े पर कोई सवार नहीं होगा बादशाह। ये बहुत बार पिट चुका है। बादशाह सलामत के बहुत ही जोशीला जानवर है। हाँ वाकई जाबाज, और मैसिडोना के बादशाह फिलिप के लायक। वैसे 350 सिक्कों में बेचूं तो मुझे कोई खास फायदा नहीं होने वाला, पर आपसे उतने ही लूंगा। अरे जंगली का मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो बीवी है। क्या मैं इतनी बुरी लगती हूँ? मुझे भी कूदने के लिए घोड़ा चाहिए। पैसे दो और गर्दन तोड़वाओ, ये लड़ाई के काबिल नहीं, गोद के लिए बेचो इसे। इसे मेरे लिए खरीद दे बाबा, मैं इसकी सवारी करूंगा। नहीं कर पाया तो मैं खुद इसके दाम भरूंगा। किससे भरेगा? अपनी सुरीली आवाज से? मैं भर दूंगा। मैं कह रहा हूँ इसकी सवारी नहीं हो सकती, इसका दिमाग खराब है। मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा। अगर ये घोड़ा काबू कर लिया, ये घोड़ा तुम्हारा, तुम दाम तय करो। वो घोड़ा उसे मार डालेगा, बच्चे के दो टुकड़े कर देगा। आ गई, क्या पता उसकी माँ भी उसको कलाकार बना दे। लड़के में घुड़सवारी की काबिलियत नहीं है फिलिप, इसे चोट लग सकती है। उसे खुदे सीख कर काबिल बनना होगा, यही वक्त। तुम अपनी परछाई से डरते हो, है ना? लगता है जैसे कोई शैतानी रूह तुम्हें दबोचने आ रही है। देखा तुमने, वो हम हैं। ये सिर्फ एक कर्तव्य है अपोलो का, वो सूर्य का देवता जो है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि उसे कैसे हराना है। हम मिलकर हराएंगे। सेफलस और सिकंदर, चलो आओ एक साथ चलते हैं।
याद और एकिलीस के किस्से याद है ना? उन्हें कौन भूल सकता है? क्यों? क्योंकि वो पेट्रोक्लिस को चाहते थे और उन्होंने उसकी मौत का बदला लिया। और क्या थी उसकी तकदीर? जवानी में उनकी मौत होगी और वो शानदार होगी। उसके पास कोई चारा था? था ना, वो लंबी जिंदगी जी सकते थे पर वो शानदार नहीं होती। शान शौकत के ख्वाब देखते हो सिकंदर, तुम्हारी माँ हौसला देती है लेकिन तकलीफों के बगैर कुछ हासिल नहीं होता और वो ऐसा होने नहीं देंगी। एक दिन मेरी तस्वीर भी इन दीवारों पर होगी। प्रोमीथियस, उसने अग्नि का राज चुरा कर इंसान को दिया। देवता ज़ियस इतने नाराज हुए कि उन्होंने उसे जंजीरों से एक चट्टान पर बांध दिया और हर रोज ज़ियस का बाज उसका गुर्दा नोच कर खाता। हर रात गुर्दा फिर उगता ताकि दूसरी सुबह बाज फिर उसे खा सके। बर्बाद तकदीर। क्यों? कौन जाने क्यों हुआ पर हुआ। ईडिपस, फोड़ ली उसने अपनी आंखें जब उसे पता चला कि उसने अपने पिता का कत्ल किया और शादी की अपनी मां से। सच्चाई जिसका एहसास बहुत देर से हुआ। और मीडिया, बदले की आग में चीर दिया उसने अपने दो बच्चों को जब उसके पति ने उसे एक जवान बीवी के लिए छोड़ा। मेरी मां मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाएगी। सिकंदर, मां के कब्जे से निकलना आसान नहीं। जिंदगी भर औरतों से बच के रहना वो मर्दों से ज्यादा खतरनाक होती है। हरक्यूलिस, 12 महान काम करने के बाद भी उसे पागलपन की सजा मिली। उसने अपने 3 बच्चों को काट डाला। बेचारा हरक्यूलिस, महान हरक्यूलिस, महान बनने के लिए भी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। तुम्हें भी एक दिन ऊपर वाला परखेगा, बेदर्दी से परखेगा। जब मैं आपकी तरह बादशाह बनूंगा ना। जल्दबाजी मत कर बच्चे, इसमें खतरा है। मेरे बाबा ने झोंक दिया था मुझे जंग में, तलवारबाजी भी नहीं जानता था। जब पहला आदमी मैंने मारा उन्होंने कहा अब तू जानता है। नफरत करता था मैं उनसे पर आज मैं समझता हूं क्यों। राजा पैदा नहीं होते सिकंदर, राजा बनते हैं कांटों और मुश्किलों से गुजरकर। अपने अजीजों को चोट पहुंचाने की आदत डालनी पड़ती है राजा को। अकेलापन। हरक्यूलिस से पूछो क्या होता है, उनमें से किसी से भी पूछो। तकदीर बेरहम होती है। कोई भी शानदार और ताकतवर नहीं रह सकता है बर्बादी के कहर से बच के। वो हंसते हैं जब आप कामयाब होते हैं और रौंदना चाहते हैं पल में आपकी कामयाबी को। वो पहले हमें इज्जत देते हैं फिर छीन लेते हैं और बना लेते हैं हमें अपना गुलाम। साल बाद बच्चा होने वाला है उस चुड़ैल को। इतनी जल्दी बाहर आने पर वो उससे शादी करेगा डायनाइसिस के त्योहार में। और जब पहला बेटा पैदा होगा उसका तो उसका वो चाचा एटलस फिलिप को मना लेगा कि वो उस बच्चे को अपना वारिस बनाए ताकि वो खुद राज करे। और तुम किसी बहुत मुश्किल मुहिम पर भेज दिए जाओगे। वैशी कबीले वालों से लड़ना होगा तुम्हें जहां तुम मारे जाओगे। भेड़ बकरियों के खातिर एक और बेकार सी जंग होगी और मैं मलिका नहीं रहूंगी। मुझे तुम्हारी बहन और बाकी रिश्तेदारों के साथ मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ऐसा क्यों है कि आप सही तरह से सोच नहीं पाती माँ? सच तो यह कि एक अरसे से आपने उनका प्यार खो दिया है तो अब अफसोस कैसा? बचना है तो वार करना होगा।
तुम किसी मैसेडोनियन से शादी का ऐलान कर दो अभी। अपने पाक खून से एक वारिस पैदा करो जिसमें उनका शाही खून हो मेरा नहीं। तब फिलिप को मजबूरन तुम्हें बादशाह बनाना होगा। किनानी से शादी कर लो। यूरिटिके बहुत अच्छी थी। काश तुम्हारे कमीने बाप ने उस पर पहले नजर कुछ मत कहिए मेरे बाबा के खिलाफ। उनके खिलाफ मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। ठीक कह रहे हो, मुझे माफ कर दो। एक मां का प्यार छलक उठा था। हर रोज अब मैं किसे लोरियां गाकर सुनाऊं? काश कि हम थोड़ा और वक्त साथ बिता सकते जैसे कि बिताया करते थे जब तुम छोटे थे। कभी वक्त ही नहीं मिला। बचपन से लेकर आज तक मुझे सबसे बेहतर होना सिखाया गया है माँ। ओ मेरा बेचारा बेटा, तुम अकेले इसकी तरह हो, अपनी महानता से शापित। मेरी ताकत ले लो। देखो, कभी भी अपने जज्बात और फर्ज के बीच मत उलझना सिकंदर। एक बादशाह का हर कदम आम जनता के हक में होना चाहिए। मैं जानती हूं, पर तुम 19 के होने वाले हो और लड़कियां अभी से कहने लगी हैं कि तुम उनसे ज्यादा हेफाइस्टन को पसंद करते हो। मैं समझती हूँ इस उम्र में ऐसा होता है, पर अगर तुम वारिस दिए बगैर एशिया चले गए तो तुम सब कुछ खो दोगे। हेफाइस्टन मुझसे प्यार करता है, मेरे ओहदे से नहीं माँ, ओहदे से नहीं। प्यार, प्यार, तुम्हें डायनाइसिस का वास्ता। अगर अपना भला चाहते हो तो फिलिप की सोच को समझने की कोशिश करो। तुम्हारी जिंदगी दांव पर लगी है, उसके जासूस तुम्हारे करीबी लोगों में हैं। बस कीजिए, मैं उनका इकलौता वारिस हूं। वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो मुझे चोट नहीं पहुंचाएंगे। यूरेडिके को अगर बेटा भी हुआ तो उसकी हुकूमत 20 साल बाद होगी। हाँ, और तब तुम 40 के होगे, बूढ़े और समझदार, परमेनियन जैसे, और फिलिप का छोटा बेटा 20 का होगा जैसे तुम अब हो। उसका अपना पाक खून, उसका छोटा बेटा, वो तुम्हें कभी अपना तख्त नहीं सौंपेगा, कभी नहीं। आओ सिकंदर, यो और गम को दूर करो। काश इससे गम दूर हो जाते। मजे करो, जंग के फतेह से सिर्फ एक चीज बेहतर है, एक खुशखबर। That's the taste of a new woman. You'll find it far sweeter than self-pity. Ausenius, you bore me. Alexander! We're going with you. Alexander, find you the right girl. What's your name, darling? Antigone. What's your name? Antigone. I love you, my little limb. And I love you, Clovis. Ausenius! No! There you go. I'll sleep in my grave if I sin. Are you alive? I prefer dancing. Ausenius. Who's your new friend? Get away. Who's your new friend there? Hold your weapon. A toast. A toast. I drink to our great friends. हमारे नए रिश्ते के नाम, मैसिडोनिया और यूनान के नाम, जिनकी महानता एक समान है। बादशाह फिलिप, इसके बगैर हम दो मुल्कों का मेल कभी नहीं हो पाता।
क्या बात है एटलीस्ट, दूसरों को भी मौका दो। और ये उस शादी के नाम जिसमें दूल्हा है बादशाह और दुल्हन मेरी भतीजी चुरीटी के है, एक मैन मल्लिका जिस पर हमें नाज होगा। फिलिप और यूरिटी के नाम और उनके जायज बेटे के नाम। नहीं, जबान संभाल के आ जा। कोई मामूली दंगल नहीं है, माफी मांगो सिकंदर इस बेइज्जती के लिए। इस आदमी ने बच्चलन कहा मेरी माँ को और मुझे नाजायज, ये किस तरह का सलूक है? हर बात अपनी माँ की तरह, एटलस अब मेरा रिश्तेदार है जैसे कि तुम। तो सोच समझ कर रिश्तेदार बनाया करें, आपको खुद अपनी बेइज्जती करते हुए मैं नहीं देख सकता। बेइज्जती? तुमने मेरी बेइज्जती की है। मैंने आपकी बेइज्जती की? जो मेरी माँ के कदमों तले की जमीन चाटने के लायक नहीं है उसकी? आपको अपनी हरकत पर शर्मिंदा होना चाहिए। शर्मिंदा? मैं किस बात पर शर्मिंदा हूँ बदतमीज औलाद? मैं जिससे चाहे उससे शादी करूंगा और मैं जितने चाहे उतने बेटे पैदा करूंगा, और तुम और तुम्हारी जादू करनी माँ कुछ नहीं कर पाओगे। आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मेरी हर जबान अपनी माँ की सिखाई हुई है? क्योंकि मैं उसके दिल को जानता हूँ, और वही नफरत तुम्हारी आंखों में, आज की बहुत लालच है तुम्हें। और हम सब ये जानते हैं कि तुम्हारी वो डायन माँ मेरा मरा मुंह देखने का ख्वाब देखती है, और तुम दोनों वो ख्वाब देखते रहो। देखो फिलिप, इस वक्त तुम नशे में हो, जाने दो बच्चे को, ये बहस हम कल सुबह कर लेंगे। अभी मेरा हुक्म है, माफी मांगो रिश्तेदारों से। माफी मांगो। वो मेरे रिश्तेदार नहीं है। चलता हूं मैं, और जब मेरी मां दूसरी शादी करेगी तो मैं आपको जरूर बुलाऊंगा। हराम साधे, तुम मेरा हुक्म मानोगे? इधर आओ। ये आदमी क्या खाक ले जाएगा आपको यूनान से फारस तक? ये तो खुद चार कदम ठीक से चल नहीं सकता। निकल जाओ मेरे महल से, तुम्हें देश निकाला जाता है, इस जमीन से निकाला जाता है, तुम यहां कदम नहीं रखोगे, आज से तुम मेरे बेटे नहीं। उसके लिए अचानक सब कुछ बदल गया। उसके पिता बादशाह फिलिप का कत्ल हो गया, और सिकंदर 20 की उम्र में मैसिडोनिया का बादशाह बना। हमारे साथ संधि की बात रद्द करके और सिकंदर को एक नाकाबिल बादशाह करार देकर यूनान के कई राज्य बगावत पर उतर आए। फारस खुश था, और शायद ये उसी के इशारों पर हुआ था। वाकई सिकंदर जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं था। उसे धोखा देने का मतलब था उसके गुस्से को जगाना। थीब्स जैसे शहर में उसने हजारों लोगों का सरेआम कत्ल करवा दिया, जो बचे थे उन्हें गुलाम बना लिया। जैसा उसने सोचा था, यह देखकर यूनानी डर गए और हार गए। हालांकि बाद में वो सबसे बड़ी नरमी से पेश आया, पर लोगों ने सिर्फ यह याद रखा कि उसने थीब्स, गाजा, सीरिया और फारस के पर्सिपलस के लोगों के साथ क्या किया, क्योंकि वो सिकंदर और उसके ख्वाबों से बेइंतहा नफरत करते थे। 21 की उम्र में सिकंदर ने एशिया पर हमला किया और अपनी 40,000 की ताकतवर फौज के साथ एक के बाद एक राज्य को आजाद करवाया। उसने पूरे पश्चिमी एशिया पर कब्जा किया, फिर दक्षिणी मिस्र, उसे वहां का बादशाह बनाया गया। उसे लोग पूछते थे,
वो मिस्र ही था जहां सीवा के पाक पैगंबर ने उसे ज्यूस का सच्चा पुत्र करार दिया था। आखिरकार उसने खुद डराइस को जंग के लिए उकसाया और फारसी सल्तनत के बीचों बीच बेबिलोन के पास जंग हुई। गौगमेला फारस। अजीब पागलपन था। हम 40,000 थे और वो 2,50,000 से ऊपर। ये वो दिन था जिसका सिकंदर को हमेशा से इंतजार था। सिकंदर देवताओं की संतान थी। जाहिर है कि वो एक मनगढ़ंत बात थी। शुरुआत तो वैसे ही हुई थी। मैं जानता हूं, मैं वहीं था, मैंने उसकी आंखें देखी थी। वहां सिपाहियों की कतार में जो दरार है, हम वहां से जाएंगे। हमें फारस के बादशाह को मारना है। दराए से कत्ल करेंगे? ऊपर वाला आखिर उसे हमारे सामने ले ही आया। अगर मैं मर गया तो एक मैसेडोनियन मरेगा, पर यह फारसी सेना डरायस के बगैर नहीं लड़ सकती। यहां ठीक यहां से हम गले से काटेंगे इस फारसी सेना को। यह पागलपन है, तुम उसके नजदीक तक भी नहीं पहुंच पाओगे। तुमने उसकी सेना की तादाद देखी है सिकंदर? देखो, अगर तुम बाएं से संभाल लोगे तो हम कामयाब होंगे। पैमेनियन, कल अपने बेटे को अपने साथ रखना, सिर्फ 1-2 घंटे के लिए। और तुम जाबाज एंटिगनस यहां बीच में संभाल लो। प्रैटिकस, लियोनारस, न्यूयॉर्कस, पॉलीफोर्चन, अगर तुम लोग अपने भाले की नोक से उन्हें रोकोगे यहां बीच में, तो उनकी पैदल सेना यहां दाएं से मेरे पीछे आएगी। और जब जाबाज कसैंड्रा धावा बोलेगा उनकी बाईं ओर, तो यहां पहरा नहीं होगा। फिर मैं और मेरी सेना, हमारा साहसी क्लाइटस, टॉलमी और हेफाइस्टन उस खाली जगह से दाखिल होंगे और शान से सर कलम करेंगे उस डरायस का। वक्त और किस्मत हमारा साथ दे या ना दे, ऊपर वाला हमारी मदद करे ना करे, लेकिन कल उनकी सेना को खत्म करना ही होगा, वरना घर लौटते हुए हमें डाकुओं की टोलियों का सामना करना पड़ेगा। सही कहा। तुम तो घर लौटने की और पीछे हटने की बात करते हो, पर तुम समझ नहीं रहे मेरे दोस्त, बेबिलोन ही मेरा नया घर है। सिकंदर, अगर हमें लड़ना ही है तो अचानक वार करते हैं। सैनिकों का सही इस्तेमाल करके हमें उन्हें चौंकाते हुए आज रात ही हमला करना चाहिए। क्या? मैं छिपकर वार करके जीत हासिल करने नहीं आया हूं कैसेंडर। नहीं, यह तुम्हारी शान के खिलाफ होगा ना। तुम्हारे जहन में बचपन से खतरनाक जंग के किस्से जो भरे हुए हैं, क्यों? पर तुम्हारे पिता को इस सबसे कोई लगाव नहीं था। वो यूफ्रेट्स नदी के पश्चिमी इलाके के लोग अपनी बेटी का हाथ शादी में देना चाहते हैं। ये कब से यूनानियों को इतनी इज्जत देने लग गए? ये कोई इज्जत नहीं है, ये रिश्वत है पैमेनियन, जो यूनानी लेते आए हैं बेकरसे तक। हाँ बिल्कुल, तुम भूल रहे हो कि जिस आदमी ने मेरे पिता को मारा वो वादी के उस ओर रहता है। छोड़ो सिकंदर, हम यकीन से नहीं कह सकते कि उनकी मौत के पीछे फारसियों का हाथ था। पैमेनियन, इस वक्त तुम जानते हो ये बात, इसकी बात मत सुनो। पैमेनियन, तुम जानते हो ये सच नहीं है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें सिखाया था कि कभी जोश और जल्दबाजी में फैसले मत करना। मेरी गुजारिश है, इकट्ठे हो, वापस चलो तट की ओर और अपनी सेना को बढ़ाओ। जरूर बढ़ाता अगर मैं पैमेनियन होता तो, पर मैं सिकंदर हूं। जैसे धरती पर 2 सूरज नहीं हो सकते, वैसे ही एशिया में 2 बादशाह नहीं हो सकते। ये मेरी शर्तें हैं। और अगर डरायस एक कायर नहीं है जो अपने सैनिकों के पीछे छिपता है, तो कल वो मेरे पास जरूर आएगा। और अगर वो यूनान के आगे घुटने टेकेगा तो सिकंदर रहम करेगा। मानना पड़ेगा इसमें दम है साथियों, अब इसकी हिम्मत की कुछ तो इज्जत करो। और बच्चों, आज दावत कर लो, क्योंकि कल तो हमें नरक में खाना है। तुम किसकी पूजा कर रहे हो?
फोबस, खौफ की, बुरा शगुन है, बुरा शगुन है टेरेस के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि मौत का खौफ ही इंसान को चलाता है फास्टन। ये हमने बचपन में नहीं सीखा था, यही हमारी सारी तकलीफों की जड़ है। तो जाबाज क्रैटरस। जी बादशाह। कल सुबह के लिए तैयार हो? जी, इस जंग के लिए तो हम कब से तैयार है। वैसे सारी सेना काफी डरी हुई है बादशाह। अच्छा है, खौफ में इंसान बेहतर लड़ता है। पहरा कड़ा होना चाहिए पर उन्हें आराम भी करवाना। आप फिक्र ना करें, ये सभी जानते हैं कि अपनी आंखें खोलकर मुझे सोने की आदत है। सिर्फ इसलिए कि कोई उसके सिक्के ना चुरा ले बादशाह। कल के बाद तुम सब ताकतवर और अमीर होंगे। ऊपर वाला हमारे साथ है बादशाह। सो तो इस मैदानी जंग को फारसियों के खून से रंग देंगे बादशाह। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही जीतोगे सिकंदर, पर यह जंग कुछ ज्यादा ही बड़ी है। क्या पेट्रोक्लस ने अकिलीस पर शक किया था जब वो ट्रॉय की जंग में एक साथ खड़े हुए थे? पेट्रोक्लस पहले मरा था, और अगर तुम मुझसे पहले मरे फिर चाहे मैसेडोनियो को बादशाह ही खोना पड़े, मैं तुम्हारा बदला लूंगा और मरने के बाद तुमसे आकर मिलूंगा। मैं भी यही करूंगा तुम्हारे लिए। जंग से पहले की शाम अकेले रहना मुश्किल होता है। हाँ, तो फिर अब हम आखिरी बार साथ होंगे मेरे सिकंदर। डरो नहीं है पाइस्टन, ये तो जीत की शुरुआत है। खून से ही धरती खिलती है और खून में ही हर आदमी जीता और मरता है। खून के छींटे मैदाने जंग को पवित्र करते हैं। आओ बुसांतस, आज हमें नई तकदीर बना। टॉलमस, मुझे याद है किस बहादुरी से तुम टायर शहर में दाखिल हुए थे। तुम एक जाबाज सिपाही थे और आज भी मुझे तुमसे वही उम्मीद है। डेक्सिपस,
मुझे अच्छी तरह याद है कैसे उछाल कर फेंक दिया था तुमने उस आदमी को ओलंपिक खेलों में। इस बार भी जलवा दिखाओगे? और कमांडर मेनेंडर का बेटा जो कि मेरे पिता के अजीज सिपाही थे, मुझे आज भी तुम्हारे भाई अडायस की बहादुरी और बलिदान की बात याद है। तुम्हारा सारा खानदान बहादुर है कमांडर, उनकी इज्जत पर आंच ना आने देना। आपके देश और आपके देशवासियों को आप सब पर नाज है, और आज हम यहां इतनी दूर एशिया में आए हैं जहां हमारे अलावा जराइस के पास भी एक बहुत बड़ी सेना है। ये फारसी गिनती में चाहे ज्यादा हैं, पर इस जमघट को देखकर पूछे अपने आप से कि कितना महान होगा इनका राजा जिसने धोखे से सोने की रिश्वत देकर मेरे पिता का कत्ल करवाया, आपके राजा का कत्ल करवाया। ऐसा काम तो कोई नीच और कायर ही कर सकता है। कितना महान है वो राजा जराइस जो अपने सिपाहियों से गुलामों की तरह पेश आता है। ऐसे आदमी को कौन अपना राजा मानेगा? ये लोग अपने देश के लिए नहीं लड़ते, ये लड़ते हैं क्योंकि ये इनके बादशाह का हुक्म है। और जिन लोगों में देश के लिए लड़ने का जज्बा नहीं, उन्हें शिकस्त देना कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि हम किसी बादशाह के गुलाम नहीं, बल्कि हम सब मैसेडोनिया की जमीन के आजाद सिपाही हैं। आप में से कुछ, शायद खुद मैं भी, आज शाम ढलने वाले सूरज को देखने के लिए जिंदा ना रहे, पर एक बात कहना चाहूंगा जो कि शायद हर सिपाही ने अपनी तालीम की शुरुआत में सीखी थी, डर पर काबू कीजिए, और यह मेरा वादा है कि मौत भी आपसे डर जाएगी। मैं आज के दिन गोगमेला में लड़ रहा था यूनान की महिमा और आजादी के लिए। जा रहा है वो मालूम नहीं हुजूर, उसे घेर लो, जाओ। एफआईसन जाओ, गलती कर रहा है।
जी हाँ हुजूर। Yeah!
आजादी। हेरोडस, जाओ खुद सिकंदर को बताओ, और अगर वो हमें बचाने ना आए तो उससे मेरी मौत का बदला जरूर लेना। जान से मेरे बच्चे, तुम्हें अभी बहुत जीना है। सरकार, लाइए मैं जख्म पर मरहम लगा दूं। नहीं हामिलोस, अभी नहीं। यहां मुझसे भी ज्यादा जख्मी सैनिक हैं, उन्हें देखो। नाम क्या है तुम्हारा? ग्लोकस, मेरे बाद ग्लोकस। रहते कहाँ? इलेरिया। अपने शरीर को ढीला छोड़ दो और अपने घर के बारे में सोचो। हिम्मत मत हारो ग्लोकस, तुम्हारी शहादत के बाद भी तुम्हारा नाम होगा। सिकंदर, दुनिया का सबसे महान कहा जाने वाला फारसी साम्राज्य तहस नहस हो गया। और 25 साल का सिकंदर सबका शहंशाह बन गया।
सिकंदर ने एक बार मुझसे कहा था, काल्पनिक कथाओं के बीच घिरा मैं खुद को बहुत अकेला पाता हूं। सिपाहियों, आगे बढ़ो। और इस तरह फारस पर फतह पाने का यूनानी सेना का सपना सिकंदर की वजह से पूरा हो सका। ये ऐसा मुबारक मौका था जब हर दिल में सिकंदर के लिए चाहत थी, पर मेरे ख्याल में सिकंदर के लिए बेबीलोन को जीतना जितना आसान था, उसे छोड़कर जाना उतना ही मुश्किल। क्या दिमाग रहे होंगे जिन्होंने ये सब बनाया। इस तरह के ज़हीन लोगों के साथ मिलकर हम वो शहर बना सकते हैं जिनके हम सिर्फ ख्वाब देखते हैं। अरस्तु इन्हें जंगली लोग कहता है, काश कि उसने बेबीलोन देखा होता। यहाँ इतना सोना है कि मैसिडोनिया फौज की 3 पुश्तों को खिलाया जा सके। ताकि मैसिडोनिया की फौज नाकारा हो जाए। पैसा ज्यादा हो तो लोगों का लालच भी बढ़ जाता है। पर इस पर तो सिपाहियों का जायज हक है। उन्हें उनका हक मिलेगा एंटिग्नस, और कहीं लड़ाई का मकसद ये पैसा ही ना बन जाए। बिल्कुल फिलिप की जबान बोल रहे हो। फिलिप ने बेबीलोन नहीं देखा। नहीं, उसने नहीं देखा है फाइस्टियन। सिकंदर, मैं जानता हूं तुम मुझे पसंद नहीं करते, पर फिर भी मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। आज की जीत पर तुम्हारे पिता को तुम पर बहुत फक्र होगा। शुक्रिया पेमेनियन, हो सके तो मेरे गुस्से को, मेरे गुमान को माफ कर दीजिए, वो मुझे अंधा कर देते। सुनो सुनो चरवाहों के वारिसों, आज हम बेशुमार दौलत और जमीन के मालिक हैं। हम रईस बन गए, पर इतनी दौलत है यहां पर, तुम ये नहीं जानते कि यही दौलत और ताकत हमारी तबाही का कारण भी बन सकती है। कुछ ज्यादा ही कह रहे हो। जब तक डरायस जिंदा है, एशिया का असली राजा वही कहलाएगा, और मैं सिर्फ नाम का राजा। पर वो कुछ नहीं कर सकता सिकंदर। वो अकेले कहीं पहाड़ियों में छिपकर बैठा होगा। जब तक वो जिंदा है, लोगों की उम्मीदें बनी रहेंगी। यानी तुमने इरादा पक्का कर लिया है सिकंदर? मुझे गौगमेला का अधूरा काम पूरा करना है। हमें डरायस को ढूंढना ही होगा, चाहे इसके लिए सारी दुनिया छाननी पड़े। ये तुम्हारे पिता का सपना नहीं था। मुझ में और उनमें फर्क है। क्यों, आप सब लोग भूल गए? हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। मालिक, ये सब क्या है? लगता है डरायस के जान बचाकर भाग जाने का कारण यही है। साल भर हर रात एक नई साथी। बचाना मुझे नियरगस, इस सब के बाद तो यूनान लौटना मुश्किल होगा। मेरी मानो तो इनसे दूर रहो, इन सबको मैं अकेले ही संभाल लूंगा।
माफ कीजिएगा। तो शायद इसलिए इन्हें जालिम कहता है। ये सब अपनी खूबसूरती से हम पर सितम ढा रहे हैं। तुम बहुत खूबसूरत हो। महान बादशाह सिकंदर, इस मुल्क के पिछले बादशाह, महान दराइज की बेटी और हमारे मुल्क की शहजादी सतैरा। बादशाह सिकंदर, मैं आपसे अपनी मां, दादी और बहनों की जिंदगी की भीख मांगने आई हूं। परेशान मत होइए राजकुमारी स्टटारा, वो भी सिकंदर है। देखिए बादशाह, आप उनकी जाने बख्श दीजिए, मुझे गुलाम बना लीजिए, पर मेहरबानी करके उन्हें मेरी आंखों में। राजकुमारी अब बताइए, हम आपके साथ कैसा सलूक करें? जैसा कि अब तक होता आया है। आगे भी वही होगा। आप और आपका परिवार आज से मेरा परिवार है। आप जब तक चाहें इस महल में रह सकती हैं। इसके अलावा आप मुझसे कुछ चाहती हैं राजकुमार? नहीं, जो कुछ भी चाहिए था वो मैंने मांग लिया। आप वाकई एक राजकुमारी हैं। वो तुम्हारे लिए सही हमसफर हो सकती है अगर तुम चाहो तो। 3 महीने हो गए हैं तुम्हें बेबीलोन में, और मैं यहाँ पहला में तुम्हारे दुश्मनों के रहम करम पर पड़ी हूँ। एंटीपटर, जिसे तुम यहाँ का काम सौंप गए हो, दिन ब दिन और ताकतवर होता जा रहा है। मुझे यकीन है कि वो पामिनियन से मिला हुआ है, जो कि बहुत खतरनाक है, पर तुम होशियार रहना, तुम्हारे आसपास सभी ऐसे ही हैं, आस्तीन के सांपों की तरह कभी भी डस सकते हैं। सेनापति क्रेटर है। कैसेंडर एंटीपेटर का बेटा है, और क्लाइटिस तुम्हारे पिता का अजीज था, और चौलमी वो तुम्हारा दोस्त है, पर ज्यादा सोचने वालों से होशियार रहना चाहिए, वो किसी काम के नहीं होते। सिर्फ हेफाइस्टिन के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, तुम उन सब को तो अमीर बनाते जाओ और अपनी माँ और खुद को गरीब ही रहने दो। आखिर तुम्हें मुझ पर यकीन क्यों नहीं? सिर्फ मैं ही हूं जो इन दिलों की गहराइयों में छिपे राज जानती हूं। अंधेरे राज सिकंदर, काले राज, पर मैं तुम में, ज्यूस के बेटे में उम्मीद की रोशनी देखती हूं। इन सब का नाम उनकी मौत के साथ ही दफन हो जाएगा, पर तुम्हारा नाम इतिहास में हमेशा अमर रहेगा, आने वाले कल का रोशन चमकदार सूरज। रोशनी
और जिंदगी देने वाला। फिर कभी तुम सा महान सिकंदर न पैदा होगा, महान सिकंदर। और हाँ, वादे के मुताबिक मुझे बेबीलोन बुलवा लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हारी तरफ नजर उठाने वाले को मेरा गुस्सा सहना होगा, यानी बेबीलोन की मलिका का। 9 महीने तक अपने कोख में बना देने की एक कीमत बहुत है। उन्हें बुला लो सिकंदर, उन्हें यहाँ आकर बड़ी खुशी होगी। खुशी? मैं उनके ख्वाबों की टूटी हुई तस्वीर हूं। तुम आज यही रुक जाओ फास्टन। मैं खुद नहा लूंगा, तुम जा सकते हो। सेनापतियों को डराइस के लिए तुम्हारी दीवान की पसंद नहीं। उनके मुताबिक तुम एशिया के ठीक बादशाह बिल्कुल नहीं हो। वो भी कैसे, वो सिर्फ सोना लूटकर अपने मुल्क लौट जाना चाहते हैं, पर मैंने उनका आने वाला कल देखा है पास्टन, हजारों बार देखा है, हजारों चेहरों पर देखा है। फारस के लोगों को बदलाव चाहिए। अरस्तु ने इनके बारे में गलत कहा था। वो कैसे? इन लोगों के बारे में जरा सोचो, ये मुर्दों को जलाते नहीं हैं, ये अपने दुश्मनों के सिर के टुकड़े टुकड़े करके मिट्टी में मिला के खाद बनाते हैं, खुले में इश्क करते हैं। इन लोगों को ना तो सीखने का मौका है और ना ही सोचने का, पर सिकंदर की सेना में भर्ती होकर ये लोग कुछ ना कुछ बन सकते हैं। ये वहां पहुंच सकते हैं जहां के ख्वाब भी नहीं देखते। अलेक्जेंड्रिया राज्य को हम यूनान से लेकर हिंद महासागर तक जीत कर एक कर सकते हैं वास्टन, ये हम कर सकते हैं। पर सिकंदर, कुछ लोगों का मानना है कि तुमने इन सारे शहरों को इसलिए बसाया है ताकि तुम लोगों को इन शहरों में लाकर उनसे गुलामी करवा सको। पर हमने तो उन्हें गुलामों की जिंदगी से आजादी दिलाई है हेफास्टन। दुनिया के लोगों को आजाद करवाना अकेलिस और हरक्यूलिस के कामों से महान होगा। इनके दुश्मन प्रोमीथियस और इंसानियत के दोस्त की बराबरी का काम होगा। पर याद है ना इन सभी बहादुरों को कितनी तकलीफें सहनी पड़ी थी? सहा तो हम सभी ने, तुम्हारे पिता, मेरे। एक ना एक दिन सबको मरना पड़ता है और पीछे रह जाते हैं सिर्फ आपके नेक काम। तुमने एक बार कहा था कि मौत का डर ही इंसान से कुछ करवा सकता है। क्या सिर्फ यही एक ताकत है? तुम्हारी जिंदगी में प्यार नहीं है सिकंदर? कभी कभी मुझे लगता है कि तुम अपनी मां से भागते फिरते हो। तुम दोनों में कितनी दूरियां, कितने फासले हैं। तुम किस बात से डरते हो? ये सब कौन जान सका है? मेरी मां ने हमेशा ये सोचा कि मैं ताकतवर हूं और मेरे पिता कमजोर। मैं किसकी पैदाइश हूं, ताकतवर या कमजोर की? इस जहां में मैं सिर्फ तुम पे भरोसा कर सकता हूं। मुझे तुम्हारी जरूरत है और हमेशा रहेगी। सिर्फ तुम ही एक मेरे सच्चे दोस्त हो फास्टन, और कोई नहीं। तुम अभी भी अपनी गर्दन टेढ़ी रखते हो इस तरह? नहीं, अब नहीं। हाँ, अभी भी। और सच तो यह है कि तुम आज भी मेरे होश उड़ाते हो सिकंदर। इतनी खूबसूरत आंखें और किसी की नहीं। मैं आज भी किसी नए आशिक की तरह बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ तुम्हें ही चाहता हूं, पर तुम्हारी जंग की दीवानगी की वजह से मुझे जलन है और साथ ही डर भी है कि इस बीच में तुम्हें कहीं खो ना दूं सिकंदर। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा फास्ट, तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा, आखिरी सांस तक।
उत्तर पूर्वी फारस। फारस के उत्तर पूर्व में गई फौजी टुकड़ी 3 साल तक मुश्किल गोरिल्ला युद्ध लड़ती रही। हमने बैक्ट्रिया तक डराइस का पीछा किया, पर कुछ ही घंटों से चूक गए। जब यह हमें मिला तो यह मर रहा था। इसने पानी मांगा, पिया और मर गया। महान बादशाह डराइस को उसके ही सिपाहियों ने धोखा दिया। उसकी मौत के लिए जिम्मेदार लोगों का सिकंदर ने दूर दूर तक पीछा किया, यहां तक कि सोग्डिया इलाके की ऑक्सस नदी तक। हमने स्कीथिया के उजाड़ और बीहड़ इलाकों तक उनका पीछा किया। इससे पहले यहां सिर्फ किस्सों कहानियों के शहजादे ही आते थे। हमारे खोजकर्ताओं ने बताया कि अब हम यूरोप और एशिया को मिलाने वाली सीमाओं पर खड़े थे। सच पूछो तो हम खो गए थे। यहां सिकंदर को 10वां अलेक्जेंड्रिया राज्य मिला, जहां उसने बसाया अपने सेना नायकों और उनकी बीवियों को और उन सभी को जो सरहदी इलाकों में रह सके। किसी से भी हार न मानने वाले सिकंदर ने हर कबीले को फतह किया और तब तक लड़ा जब तक आखिरी दुश्मन का सिर न झुक जाए। सिकंदर के तख्त का दूसरा कोई दावेदार न था। सोग्डिया और बैक्ट्रिया समेत वो पूरे एशिया का शहंशाह था। बैक्ट्रिया में ही सिकंदर ने एक बहुत ही अजीबोगरीब फैसला किया। मेरे मुल्क में कहावत है कि दीवानों की तरह प्यार करने वाले फना हो जाते हैं और सोच समझ कर प्यार करने वाले जिंदा रहते हैं। तुम्हारे पिता की आत्मा तड़प रही होगी सिकंदर। आखिर चुनी भी तो एक पहाड़ी सरदार की बेटी। इस लड़की में कुछ बात है तो उसे वैसे ही हासिल कर लो। शादी करने की क्या जरूरत है? मुझे उससे वारिस चाहिए, समझे फिलोटस? लेकिन
उसके लिए तुम्हारे बहुत से दरबारियों की बहनें भी तो हैं जो मैसिडोनियाएं भी हैं। अगर मैं किसी एशियाई औरत को अपनी रानी बनाता हूँ तो ये अपने लोगों के लिए इज्जत की बात होगी। इससे हमारे आपसी रिश्ते सुधरेंगे, नजदीकियां बढ़ेंगी। पर ऐसा नहीं है कि मैं किसी मैसिडोनियाई लड़की से शादी नहीं करूंगा। वो दूसरी बीवी होगी ना, ये मैसिडोनिया की तौहीन होगी। सिकंदर, ये मामला हमारे मुल्क की इज्जत का है। बिल्कुल, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हम एशिया आए थे इन्हें इनके गुनाहों की सजा देने, और वो हम दे चुके हैं। 7 साल से हम घरों से बाहर हैं, डाकुओं खानाबदोशों का पीछा करते करते एक इलाके से दूसरे इलाके में भाग रहे हैं, जबकि मैसिडोनिया अपने जवानों के लिए तरस रहा। ये सब क्यों? एशिया की तरक्की के लिए, इनके शहर बनाने के लिए। शहर बनाना और ताकत हासिल करना हमारे मकसद से जुदा नहीं है पेविलियन। इससे मैसिडोनिया को क्या फायदा? वो पहले से ज्यादा दौलतमंद हो गया। कौन सी दौलत दी तुमने? गुस्ताखी माफ कीजिएगा, लेकिन अगर आप गौगमेला में घबराने के बजाय अपनी सेना के साथ हिम्मत से लड़े होते तो शायद। जबान को लगाम दुनिया कस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सिकंदर ने हमें बहुत छोटी टुकड़ी दी थी। मेरे पिता की जगह तुम भी होते तो कुछ नहीं कर पाते। फिलोटस, सिकंदर मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं। तुम्हारे पिता की मौत के बाद भी मैंने तुम्हारा साथ दिया, कम से कम ज्यूस की खातिर, उनकी खातिर जिन्होंने तुम्हें राजा चुना। हमें एक मैसिडोनिया का वारिस दो। मैसिडोनिया का वारिस? मैंने अच्छी तरह सुन लिया। शादी के बाद आप फौज की 2 टुकड़ियों के साथ बेबीलोन वापस चले जाएंगे। आप वहां का काम संभालेंगे और एंटीपेटर यूनान से हमारी फौजों के लिए रसद और मदद भेजते रहेंगे। मैं फौज की 1 टुकड़ी लेकर उत्तर के मैरकांड की तरफ बढ़ूंगा। अपोलो देवता तुम्हें एहसास कराएं कि तुम अपने पिता के सोचे रास्ते से कितने दूर निकल आए हो। मत दीजिए मुझे वास्ता आपका या आपके अपोलो देवता का। लड़ाई मेरे पिता के खून में थी और वो आपकी तरह सटियाए हुए नहीं थे। न तो उसे लड़ाई से प्यार था और न ही जीत का लालच। वो अपने मंत्रियों सेनापतियों से सलाह करता था, जो कि मैसिडोनिया की रीत है। उसके फैसले सिर्फ उसके लिए नहीं हुआ करते थे। आपको उनके ख्वाबों से कहीं दूर ले आया हूं मैं, उनसे कहीं आगे बढ़ चुका हूं। सिकंदर कुछ तो सोचो, क्या ये लोग हमारी बराबरी कर सकते हैं? इनकी क्या औकात है? तुम भूल गए अरस्तु ने क्या कहा था इनके बारे में? इनके लिए शादी की कस्मों के क्या मायने? वादा खिलाफी तो इनकी फितरत में है। याद दिलाने की जरूरत नहीं कि अरस्तु ने क्या कहा था। बस अपने दिल पर हाथ रखो और बताओ कि तुम इनसे बेहतर कैसे हो। कैसेंडर, आखिर तुम में ऐसा क्या है जो तुम्हें इन लोगों में दिखाई नहीं देता? सिकंदर, अफसोस मुझे इस बात का नहीं है कि आप लोगों ने मेरा फैसला मंजूर नहीं किया, बल्कि इस बात का है कि आपको हमसे पुरानी सभ्यता की कोई कदर नहीं। मैसिडोनिया की लड़की से शादी करने की अपनी मां की ख्वाहिश के 10 साल बाद, जैसे हम एक हो गए, ये यूनानी और बर्बर जाति भी। दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी ने एक बहुत ही आम लड़की को अपनी दुल्हन चुना, क्यों? कोई कहता है कबीलों से नाता जोड़ने के लिए, कोई कहते हैं वारिस के लिए, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसे वाकई इश्क हो गया था। रुखसाना असल में कौन थी ये कोई नहीं जान पाया, क्योंकि उसकी नशीली आंखें सब भुला देती थी। कुछ और सिकंदर, खास आपके लिए। इस शानदार मुबारक मौके पर ये जाम मेरी बहादुर जाबाज फौज के नाम, उन सब सिपाहियों के नाम जो 7 साल पहले अपना घर बार छोड़कर मेरे साथ आए थे। आप सभी के कर्ज इसी वक्त शाही खजाने से चुकता कर दिए जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। और मेरी खूबसूरत दुल्हन आने की खुशी में उन सभी औरतों को जिन्होंने हमारे साथ ये मुश्किल सफर तय किया, उन्हें उनकी शादियों के लिए दहेज के तौर पर खूब दौलत दी जाए। और हमारे
बच्चों का क्या? और आखिर में बच्चों का क्या? आखिर में ऊपर वाले की मर्जी के मुताबिक इन औरतों से पैदा हुए बच्चों को हमारी निगरानी में यूनानी और फौजी तालीम अच्छी तरह दी जाएगी, ताकि ये एशिया में हमारी सल्तनत के अच्छे सिपाही बन सके। ये मैंने मिस्र से खरीदा था। बेचने वाले का कहना था कि ये उस जमाने का है जब इंसान सूरज और तारों की इबादत किया करते थे। पर मेरे लिए तो तुम ही सूरज हो सिकंदर। तुम्हारी रोशनी हमेशा इस दुनिया पर चमकती रहे। तुम्हें जल्दी वारिस मिले। तुम एक महान बादशाह हो। तुम्हें बहुत से चाहने वाले मिलेंगे, लेकिन जो प्यार मैंने तुम्हें उससे प्यार करते हो? वो एपास्टन है। A man searches for a woman at Earth's top and finds her. I kill now. Do it. End it. I would do that. I would do the same. I'll die a fool for this love.
my son. कौन है ये लड़की जिसे तुम अपनी मलिका कहते हो सिकंदर? एक पहाड़न, कहां तुम और कहां वो? शाही खून ना होने की वजह से पहले से ही लोग उसे नापसंद करते हैं। उसकी तुलना मुझसे मत करना। मैं उसकी तरह किसी नीच खानदान की पैदाइश नहीं। हम एक्लीस के खानदान से हैं। सियूस तुम्हारे पिता है। मैं समझती हूं कि वो तुम्हें पसंद है, पर मेरी बात ध्यान से सुनो, जल्दी घर लौट आओ। अब 7 साल बाद लोग भूलने लगे हैं कि सिकंदर कौन है। अब मैं तुम्हें और कितने सबूत दूं कि एंटीपेटर तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है? बेबीलोन वापस आओ और चीजों को दुरुस्त करो, या फिर मैसेडोनिया आकर अपना तख्त संभालो, पर अब और आगे की तरफ मत जाओ। यही तुम्हारे और मेरे लिए अच्छा होगा। याद रखना, मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहती हूं। चाहती हूं कि तुम हमेशा सलामत रहो। कभी तो मेरे बारे में भी सोचो, मेरी जरूरतों के बारे में। तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे दुश्मन मुझसे कैसा सलूक करते हैं? और एक बात और, मुझसे ज्यादा तुम्हें और कोई नहीं चाहता। ऐसा क्यों नहीं है कि तुम में मेरे मां की एक भी खूबी नहीं है? किसने किया ये? बताओ मुझे। हरमेलोस, तुम्हें मुझसे वफादार दोस्त नहीं मिलेगा सिकंदर। हाँ, मैंने इस साजिश ने सिकंदर को हिला कर रख दी। न सिर्फ इसलिए कि इसमें उसके बहुत से लोग शामिल थे, बल्कि इसलिए भी कि इसमें उसके बचपन का दोस्त फिलोटस भी शक के दायरे में आ गया था। वो उसकी शाही फौज का सेनापति भी था। सिकंदर, तुम तो बहुत अच्छी तरह जानते हो मुझे। हाँ, मैं तुम्हें जानता हूं फिलोटस, पर शायद तुम खुद को नहीं जानते। मुझे और तुम्हारे साथियों को लगता है कि हुकूमत की लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया। नहीं, हम में से किसी ने फिलोटस की तरफदारी नहीं की, क्योंकि दरअसल हम उसे पसंद भी नहीं करते थे, और उसके बाद उसकी ताकत हम सब में बटनी ही थी। मारने से पहले हमने उसे उसके पिता के इस साजिश में शामिल होने की बात भी उगलवानी चाहिए, पर उसने कुछ नहीं कहा। हमें रसद पहुंचा रहे पार्मेनियन और उसके 20,000 सिपाहियों की फौज का क्या किया जाए, यह तय करना मुश्किल था। क्या वो भी बादशाह की मौत की साजिश में शामिल था या फिर बेगुनाह था? सिपाहियों में फूट पड़ जाएगा। वो अपने बादशाह का साथ देंगे, पर सिकंदर तो वहां नहीं होगा। सिकंदर को जल्द ही कोई फैसला लेना था। उसने फिलोटस पर इल्जाम लगने से पहले ही छावनी को चारों ओर से बंद कर दिया। जाओ एंटिग्नस और क्लाइटस, इसी वक्त जाओ। 3 दिन तक लगातार चलने के बाद वो दोनों पार्मेनियन के पास पहुंचे।
उसके सिपाहियों ने भी पारमैनियन को ही कसूरवार माना, क्योंकि उनके मुताबिक घर का बड़ा सभी घर वालों की हरकतों के लिए जिम्मेदार होता है। क्लाइटस, एंटिग्नस, आओ। जी पार्मेनियन। बागोस ने एक बार कहा था कि सिकंदर को दुनिया फतह करने का जितना जुनून था उतना ही मोहब्बत का भी। मौसम बदलने के साथ ही 1.5 लाख सिपाहियों की फौज लेकर सिकंदर हिंदुकुश पहाड़ों से होता हुआ एक अनजान जगह पहुंच गया। दुनिया को फतह करने के ख्वाब को पूरा करने का यही एक रास्ता था। हमारी सल्तनत यूनान से कई हजार मील दूर तक फैली चलती फिरती सल्तनत थी। इसमें खानसामे, हकीम, साहूकार, शिल्पकार, औरतें, बच्चे, वैश्याएं सभी थे, और हाँ, गुलाम भी थे। और तो और, इस नई सल्तनत के लिए दिन रात जुटे रहने वाले बेजुबान जानवर भी। सिकंदर ने एक बार जिस जमीन पर पैर रखा वो फिर पहली से कभी ना रही। रुखसाना के लिए वफादार होने के बावजूद उसके खेमे में सिकंदर का आना जाना कम होने लगा। शायद इसकी वजह थी वारिस का न मिलना और सिकंदर के अहम को चोट पहुंचना। खोजकर्ताओं का कहना है कि ज्यूस ने प्रोमेथियस को इन्हीं गुफाओं में कैद किया था। इनके बिल्कुल ऊपर ही उस बास का घोंसला है जो हर रात प्रोमेथियस का गुर्दा खाने नीचे उतरता है। तुम्हें याद है अरस्तु ने इन पहाड़ों के बारे में क्या कहा था? हाँ याद है। इन ऊंचाइयों पर खड़े होकर देखेंगे तो पश्चिम में मैसिडोनिया दिखाई देगा और पूरब में हिंद महासागर। पर मुझे लगता है कि ये दुनिया हमारे ख्यालों से बहुत बड़ी है। शिखर वालों की दुनिया। हमारे सिपाही अच्छी तरह से सब देख चुके हैं सिकंदर। उस पार जाने का कोई रास्ता नहीं सिवाय दक्षिण में भारत जाने के। हम देवता होते तो इन पहाड़ों को आसानी से पार कर पूर्वी महासागर तक जाते। ऐसा जरूर होगा सिकंदर। हम कुछ सालों बाद फिर लौटेंगे, पर पहले सिपाहियों को एक बार घर लौट जाने दो। क्या तुमने अपना घर चुन लिया? मुझे लगता है अलेक्जेंड्रा में बसना ठीक रहेगा। कम से कम वहां ऐसी ठंड तो नहीं, और वैसे भी मेरी बीवी वही चाहती है। औरतों से घर बनता है पर मुझे घर जाने की कोई ख्वाहिश नहीं। सिकंदर तुम बेबीलोन तो जा सकते हो ना, तुम्हारी माँ भी तो वहां आना चाहती हैं। हाँ बेबीलोन तो है ही, पर मैं जितने ही मुल्कों से गुजरता हूँ
मेरे हर ख्वाब से उतना ही दूर होता जाता हूं। शायद ये सिलसिला मरने तक चले, फिर भी मैं इसी ख्वाब की तलाश में आगे तक बढ़ता ही जाता हूं। कहां है घर? हमारा अब्बास कहां है? हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए जब तक कि ख्वाब पूरे ना हो। इंडिया, हिंदुस्तान, उगते सूरज की जन्मभूमि, फारस से भी कहीं दौलतमंद, जिसकी सरजमीन को कभी फतह नहीं किया गया। सिकंदर शुरू से ही किसी ऐसी जमीन की खोज में था जहां फूट, जहां के राजा महाराजा एक ना, जहां के कबीले और जातियां अपने अजीबो गरीब और तरह तरह के देवी देवताओं के लिए बड़ी तादाद में मरकट जाते हो। अगली टुकड़ी के सरदार क्रेटरस को पेड़ों पर रहने वाले और झबरीले बालों वाले छोटे छोटे लोगों से लड़ना पड़ा। चलो चलो, डरो मत। ये जानवर है। आखिर हेफाइस्टियन ने उन्हें समझाया कि ये जानवर हैं जो इंसानों की नकल करते हैं। इन्हें बंदर कहा जाता था। बंदर? अच्छा है। देखो रुखसाना, कैसे हो दोस्त? क्या ये बोलते हैं? नहीं, पर ये गाते हैं। और फिर बारिश आई। इससे पहले हमने कभी देवताओं के घर से बरसता पानी नहीं देखा था। ये सिलसिला 2 महीने तक चला। तुम बहुत बहादुर हो मकेटिस। तुम्हारा बेटा क्या कहेगा? उठो, उम्र के साथ साथ मजबूती बढ़ती जाती है। जल्दी किसी सवेरे को ले आओ। पवनस, कोई बुलाओ पवनस को। क्या हुआ? सांप ने काटा। डरता नहीं? नहीं, हिम्मत रखो टिमस, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हिम्मत रखो। जैसे ही हमें पता चला कि वहां न दौलत है न कुछ और, हमारी उम्मीदों पर पानी फिर गया और साथ ही दिमाग भी। सामने आने वाला हर सर कुचल दिया गया। वहां का पानी हमें रास ना आया, इसलिए हम सिर्फ वहां की ही बनी शराब पीते थे। दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ते हुए सिकंदर अक्सर हारे हुए राजाओं को उनकी जमीनें लौटा देता था ताकि वो हमारे दोस्त बन जाएं। लेकिन उसकी फौज को ये बात पसंद नहीं आई। उन्हें लगने लगा कि शायद सिकंदर को हर्क्यूलिस बनने का शौक चल रहा है।
और मेरी माँ के देवता के नाम डायनासस के, जो कि हमारे हिंदुस्तानी दोस्तों से सुना है कि वो हरक्यूलस से भी पहले यहाँ आ चुके हैं, करीब 6000 साल पहले, एक जाबाज के नाम। रुक्साना, के लोग हैं। मेरे समझने की कोशिश नहीं करती तुम? हाँ करती हूँ, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ सिकंदर कि फारस में तुम शहंशाह हो और यहाँ लोग नफरत करते हैं तुमसे। चलो बेबीलोन वापस चलो, वहां तुम्हारी इज्जत है। बाद में बात करते हैं। हाँ जरूर करेंगे। मैं आऊंगा रात को। मैं इंतजार करूंगी। अपना ख्याल रखना। पाचे सिकंदर, ये जाम बकवास के नाम, बकवास के नाम, और 29,000 खूबसूरत फारसी लड़कों के नाम जिन्हें हम इस महान फौज में शामिल होने की तालीम दे रहे हैं, और फिलिप की याद के नाम, काश वो भी देख पाता कि उसके मैसेडोनियाई जवानों की फौज कितनी हसीन और खूबसूरत है। बहादुर फिलिप के नाम। क्राइटस के नए औधे के नाम, जो बैक्ट्रिया के नए सुबेदार हैं। बात को ज्यादा घुमा फिरा कर मत कहो टॉलमी, हम सभी जानते हैं कि यह मेरी 30 साल की मेहनत और वफादारी की सजा है। तुम इतने बड़े इलाके की सुबेदारी को सजा कहते हो? बादशाह ने क्या कभी अपने किसी अजीज को इतनी दूर का इलाका इनाम में दिया है? मतलब तुम वहां का काम ठीक से नहीं देखोगे ना क्लाइटस? आप जो समझे, मैं मैसेडोनिया की गोद में भूखा मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस जमीन पर राजा बन के नहीं। मैं आपके दूसरे साथियों की तरह आपकी हर हां में हां नहीं मिला सकता, जैसे कि हिपेस्टियन न्यूयॉर्कस पर्डिकस करते हैं। हमारे पूर्वी सूबे के सूबेदार होने के नाते तुम्हें इतना भी नहीं पता कि अगर मेरे फारसी दरबारी झुककर मुझे इज्जत देते हैं तो यह उनका रिवाज है। क्या मैंने कभी यूनानियों को ऐसा करने को कहा? यूनानियों के तोहफों को तुम ज्यूस के बेटे होने के नाते कबूल कर लेते हो क्यों? उनकी खुशी के लिए। तो फिर यही उसूल इन पर लागू क्यों नहीं होता है? तुम्हारे सामने झुकना कैसी आजादी है ये? क्या तुम हरक्यूलस के सामने नहीं झुकते? वो भी ज्यूस का बेटा था और अमर भी नहीं। तुम अपना मुकाबला हरक्यूलस से कैसे कर सकते हो? क्यों नहीं, मैंने इतनी कम उम्र में उससे ज्यादा पा लिया है, ज्यादा दुनिया देख ली है। हरक्यूलस ने ये सब अकेले किया। क्या तुमने एशिया को अकेले फतेह किया सिकंदर? एशिया पर हमला करने का इरादा किसका था? तुम्हारे पिता का ही ना? या फिर तुम उनकी औलाद ही नहीं हो? क्या ज्यूस की औलाद हो? जबान काट दूंगा क्लाइटस, अगर एक और लफ्ज मेरे खानदान के बारे में कहा। तुम्हारे पिता कभी भी इन गंवार लोगों को अपना दोस्त नहीं बनाते और ना ही इन जाहिलों को अपनी फौज में शामिल करते। हमें कोई कमी है क्या? एक ऐसा वक्त याद है मुझे, हम दोनों जब आंखें मिलाकर एक दूसरे से बात करते थे, ये चापलूसी जी हुजूरी नहीं थी। आज तुम इन्हें गले लगाते हो। कबीले की लड़की से शादी करके तुम उसे मल्लिका कहते हो। चले जाओ क्लाइटस, नहीं तो अपनी जान खो दोगे। इतना घमंड की देवताओं की भी परवाह नहीं तुम्हें? ये फौज
तुम्हारे बदन का हिस्सा है लड़के, इसके बगैर तुम कुछ नहीं हो। तुम अब मेरी फौज में रहने के लायक नहीं बचे, नहीं जाओ इसे मेरे सामने से। मैं लायक नहीं रहा, भूल गए वो दिन जब गोगो मेला के मैदान में मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। अब तुम्हें खुश करने के लिए अब इन काले लंगूरों के साथ सोना भी पड़ेगा। मेरे दोनों को बुलाओ, गिरफ्तार कर लो इस पंचमान को। कौन है इसके साथ? कौन कौन है इसके साथ? खुद देवता ज़ूस मेरे गवाह रहेंगे और वही तुम्हारा फैसला करेंगे। देखते तुम्हारे साथ कौन कौन शामिल है इस साजिश में। मुझसे साजिश की बात तुम क्या करोगे? पोमिनियन की बात भूल गया क्या? तुमने अपना गुनाह मुझसे करवाया, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? दो गले झूठे इंसान, तुम और तुम्हारी जंगली मौत दोनों बेशर्म हो। अंदर जाने दो मुझे। अंदर जाना मना। मैं उनकी बीवी हूँ। मुझे उनसे मिलना है, मैं 3 दिन से इंतजार कर रही हूँ। वो किसी से मिलना नहीं चाहता, आपसे भी नहीं। उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। उन्हें आपकी जरूरत नहीं। तो क्या तुम्हारी जरूरत है? हपाइस्टियन, तुम गलती कर रहे हो। फौज को भरोसा दिलाना बहुत जरूरी है सिकंदर। पुरा की तरह वो माफ तो कर देते हैं पर कभी भूलते नहीं। सुनो, बादशाह ऐसे बहुत से काम करते हैं जिन पर बाद में वो चाहकर भी पछताते नहीं हैं, और तुम तो सिकंदर हो। दुख और पछतावा तुम्हें मार डालेगा। क्या मेरे घमंड ने अंधा कर दिया है मुझे? कई बार सिकंदर, हर किसी से अच्छाई की उम्मीद भी घमंड ही कहला। तो क्लाइटिस ठीक ही कह रहा था, मैं तानाशाह बन गया हूं। तुम भी इंसान हो और ये वो भी जानते हैं। वो तुम्हें माफ कर देंगे क्योंकि तुम्हारी वजह से ही उन्हें खुद पर फक्र है। मैं बुरी तरह हार गया। मैसिडोनिया 8 साल पहले। आ रहे हैं मैसिडोनिया के बादशाह और यूनानियों के रहनुमा फिलिप। मैंने यूनानियों को मैसिडोनिया के आगे झुकता देखने के लिए उम्र भर इंतजार किया है। आज वो दिन आया है। लोग अभी से कहने लगे हैं फिलिप एक अच्छा सेनापति था पर सिकंदर महाशक्तिमान है, पर दोबारा मुझसे बदतमीजी की तो काट डालूंगा। तुम्हारी याद आई आदि बहार में वर्षा की जंग में तुम मेरे साथ रहोगे। इस इज्जत के लिए शुक्रिया, ये मौका मैं किसी कीमत पर नहीं गवाऊंगा। और इसका इनाम तुम्हें एक दिन जरूर मिलेगा। खुद को 13 देवता बनाने जाना। इतनी शराब पी ली है बेचारे फिलिप ने कि उसका दिमाग खराब हो गया है। आइए मल्लिका। एटलस। उम्मीद है कि शहजादे को भी उतना ही मजा आ रहा होगा जितना कि आप दोनों को। ये थक गया है,
पेंजाइनस, बाकी सिपाहियों को भी बुलाओ। सिपाहियों, अखाड़े की ओर बढ़ो। आप बिना पहरेदारों के? जरा बच के रहिएगा, चारों तरफ बहुत यूनानी है। क्लेटस, यारे क्लेटस, इस आदमी पर तुम हमेशा भरोसा कर सकते हो सिकंदर। इसे मेरी जगह रखना, तुम्हारी पीठ बचाएगा। जी बाबा। आज मेरी जनता मेरी पहरेदार है क्लेटस। इन यूनानियों को भी देखने दो कि मैं अपने लोगों में कितना महफूज हूं, फिर चाहे ये मुझे कहते रहे तानाशाह। मेरे अंदर जाने के बाद ही शाही पहरेदार को अंदर भेजना। क्लेटस, शराब की नदियां बहती रहनी चाहिए, मैं इनका दिल जीतना चाहता हूं। सुना नहीं तुमने? मैं अकेला अंदर जाऊंगा, तुम शाही पहरेदार के साथ आओ। जाओ जाओ सिकंदर। लेकिन मैं आपके साथ जाना चाहता हूं। दुनिया को यही दिखाना चाहते हो ना कि तुम मेरे वारिस हो? यही चाहती है ना तुम्हारी मां? ओ, हर वक्त दुखी मत दिखा करो सिकंदर, मर्द बनो। खुशकिस्मत हो कि इतनी पतसलूकी के बाद मेरी बगल में खड़े हो। सभी देवताओं का वास्ता, मेरा हुक्म मत डालो इस बार। ठीक है, आगे बढ़िए बाबा। उम्मीद करता हूं कि आप हर कदम के साथ अपनी जीत का जश्न मनाएंगे। बादशाह बन गए, बादशाह। बादशाह सिकंदर जिंदाबाद। बादशाह सिकंदर।
लोगों के सामने कितनी बेशर्मी से पेश आ रही थी आप। मेरा बेटा बादशाह बना है। लेकिन मैं इस तरह बादशाह नहीं बनना चाहता था। तुम पर तो इल्जाम नहीं आया। मेरी पीठ पीछे तो सब यही कहते होंगे। चुपके से झूठ से तख्त नहीं मिलता। और बेशर्मी से किसने मारा मेरे पिता को बताइए मुझे, नहीं तो मैं आप पर कत्ल का इल्जाम लगाऊंगा। ओसेनियन, उसकी मदद किसने की? आप ही ने ना? नहीं, मैंने नहीं की। क्यों? मैं वो क्यों करूंगी? बहुत लोग ऐसा चाहते थे, यूनानी, फारसी, बहुत लोग। आप पागल हैं। बदले की आग ने आपको पागल कर दिया है, आप इसका अंजाम नहीं जानती। बेकार की बातें मत करो, खुद तुम भी तो उनकी मौत चाहते थे। ये झूठ है, वो मेरे पिता थे, मुझे उनसे प्यार वो था। तुम्हारे पिता नहीं थे, तुम पर उनका कोई कर्ज नहीं है, समझे? झूठ पर झूठ पर झूठ, मुझे जाल में फंसाने के लिए न जाने आप और कितने झूठ बोलेंगी। खुद को देखो सिकंदर, देखो तुम में वो सब कुछ है जो उनमें नहीं था। वो कवार था, तुम शाही खून। वो सिर्फ सेनापति था, तुम बादशाह। उसका खुद पर काबू नहीं था, पर तुम दुनिया पर हुकूमत करोगे। ये सब कहते हुए आपको देवताओं से भी खौफ नहीं होता? इतना गुमान, इतना घमंड, और पति की मौत का जरा भी गम नहीं? गम उसके लिए, तुम फिलिप के बारे में जानते ही क्या हो? नहीं सिकंदर, तुम्हारे पिता ज्यूस हैं। जाओ हुकूमत करो। पहला हुक्म आपकी मौत का होगा। आपने हमेशा मुझे नफरत सिखाई, मैं आपके नफरत की पैदाइश हूं। आपने नफरत के साए में मुझे पाला और एक नामर्द बनाया। मैंने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया है सिकंदर, उसी का नतीजा है तुम्हारी कामयाब शख्सियत। आप एक बहुत ही नीच औरत हैं। तुम मेरा ही अंश हो सिकंदर। नहीं, नहीं। आपने मुझसे वो सब छीन लिया जो मुझे प्यारा था और मुझे नफरत सिखाई। जाओ, तुम अब बच्चे नहीं हो, तुम बादशाह हो और वैसे ही पेशा हो। पार्मेनियन इस बार हमारे साथ है और तुम्हें एटलस और उसके खानदान को खत्म करके उनकी जमीन पर कब्जा करना होगा। यूराडिके को नहीं, असो शैतान और खुद का जोरत। अब गुस्से में कब तक जिंदा रहोगे? क्या तुमने फिलिप से कुछ नहीं सीखा? नहीं, मैंने सब आपसे सीखा है, आपसे। आखिर तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? एक दिन तुम समझ जाओगे कि मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए जगह है। मैं जानती हूं तुम्हें क्या चाहिए। ये बिल्कुल सही वक्त है, देवता मेहरबान है तुम पर, बेशुमार दौलत, ताकत, हुकूमत, तुम जो चाहो सब तुम्हारा है, हासिल कर लो इसे। उसने फिर कभी अपनी मां का मुंह नहीं देखा और सिकंदर की गैर मौजूदगी में उसकी मां ओलंपियस ने फिलिप की नई बीवी यूरिडिके और उसके मासूम बच्चे का कत्ल करवा दिया और मजबूरन सिकंदर को यूरिडिके के चाचा एटलस को भी मरवाना पड़ा। इंडिया, मैं जानता हूं सब डरे हुए हैं और ये जायज भी हैं, क्योंकि हम सब कभी इतनी दूर नहीं आए।
और आज हम अपने घरों से इतनी दूर निकल आए हैं। हम समुद्री जहाज बनाएंगे और नाइल के रास्ते मिस्र तक सफर करेंगे हम, और कुछ ही हफ्तों में अलेक्जेंड्रिया से घर पहुंच जाएंगे, घर जहां हमारे अजीज रहते हैं, जो हमारी लाई दौलत और एशिया की कहानियों का इंतजार कर रहे हैं, जो कि हमें अमर कर देंगी आने वाले हजारों सालों तक। हम आपके साथ हैं। क्या हुआ इतनी खामोशी? पिकासस, सच्चा सिपाही, कहां है वो किस्सों की जाबाज अमेज़न औरतें जो मर्दों का मुकाबला करती हैं? कहां चली गई वो? हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे सिकंदर। तुम मेलियेगा, वो कौन से कबीले हैं जिन्हें अपनी ताकत का लोहा मनवाना बाकी है? लेसोमिकस, एंटिग्नस, अफसोस कि तुम मर्द होकर डर गए। क्रेटरस, क्रेटरस। जी मेरे बादशाह। बादशाह, मुझे अपनी फौज के कोई शिकवे कोई बहाने पसंद नहीं, पर मेरे बहुत से सिपाही शहीद हो गए, कच्ची उम्र छोटी उम्र के लड़के, कुछ बीमारी से मर गए, कुछ को ऑक्सस नदी के किनारे बेरहमी से काट डाला गया, कुछ अच्छी मौत मरे, कुछ बहुत ही बुरी, पर सब मारे गए। 8 साल पहले मैं 40,000 की फौज लेकर आया था और आपके पीछे पीछे 10,000 मील दूर निकल आया हूं। बारिश हो या धूप, हम आपके लिए लड़े। हम में से कईयों ने 50 लड़ाइयां लड़ी, बहुत से लोगों को मारा, और आज जब मैं पलट कर देखता हूं तो कितने चेहरे दिखते हैं। और अभी भी आप चाहते हैं कि हम इन गंवार कबीलों से लड़ें, हाथी नाम के हजारों भयानक जानवरों से लड़ें, सैकड़ों नदियां पार करें। क्रेटरस, जाबाज क्रेटरस, तुमसे बेहतर इनके लिए कौन लड़ेगा? पर तुम जानते हो कि मेरे बदन पर भी हजारों जख्म हैं, भाले के, तलवारों के, चाकू के, पत्थर के, गुलेल के, हर मुसीबत का सामना तुम्हारे साथ किया है। बिल्कुल किया है मेरे बादशाह, और इसीलिए हम आपसे मोहब्बत करते हैं। पर ज़ियूस की कसम, बहुत सिपाही शहीद हो चुके, आपकी कोई औलाद नहीं सिकंदर, और हम नाचीज इंसान हैं, हमें देवताओं का खौफ है। हम बस आखिरी बार अपने बच्चों से, अपनी बीवियों से और अपने परिवार वालों से मिलना चाहते हैं, फिर हम भी अपने दूसरे साथियों की तरह नरक में चले जाएंगे। हाँ, तुम ठीक कहते हो क्रेटरस, मैंने गलती की है, मुझे आप लोगों को घर भेज देना चाहिए था, और मैं भेज दूंगा, सबसे पहले सबसे तजुर्बेकार सिपाहियों को, फिर उन सभी को जिन्हें फौज में 7 साल हो गए, वो भी शाही खजाने से दौलत देकर, ताकि लौटने पर बाकी की सारी जिंदगी आपकी बीवियां, आपके बच्चे आपको देवताओं की तरह पूजे, और आप चैन से और शान से मर सकें। पर यह सिर्फ तुम्हारा ख्याल है क्रेटरस, तुम्हारी किस्मत तो उसी वक्त लिखी गई थी जिस वक्त तुमने फारसी औरतों से शादी की, बच्चे पैदा किए और हीरे जवाहरातों से अपनी जेबें भर ली। जो चीजें आदमी को तबाह करती है, तुमने उन सब चीजों से मोहब्बत की। क्या तुम देख नहीं सकते? तुम और मैं ये जानते हैं कि गुजरते वक्त के साथ यादें फीकी पड़ जाती हैं, तुम्हारी बहादुरी के किस्से भुला दिए जाएंगे, पर यह याद रखा जाएगा कि तुमने अपने बादशाह को छोड़ दिया यहां एशिया में, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा एशियाइयों के साथ।
तुम्हारी नाजायज औलादों को खिलाया है और अपने लिए कभी कुछ नहीं रखा। तुमसे मांगा है तो सिर्फ एक और महीना। लानत है। वो तुम्हारे बादशाह हैं। तुम्हारे पिता क्या कहेंगे? मैं तुम्हें अपने पिता के ख्वाबों से कहीं दूर ले आया हूँ। जाओ वापस, मैं इन ईशियाइयों की मदद से आगे जाऊंगा। चले जाओ यहाँ से। अपनी असलियत छुपाने के लिए यहाँ सबको मरवाना चाहता है। कौन बोला ये? मैं नहीं जाने देगा। अगर हिम्मत है तो सामने आओ और जो कहना है कहो पूछ दे, ताकि तुम हमें मार सको। ज़ीउस के बेटे, चले जाओ, चले जाओ, इससे पहले मैं मेरे खानदान पर उंगली उठाई। गिरफ्तार कर लो इसे, और इसे भी कर लो गिरफ्तार, और इसे। तुम बदजबान डेमेट्रियस, तुमने मुझे कातिल कहा। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। और ये अभी से पता चलेगा बगावत का नतीजा। और क्लाइटस की मौत का मुझे अफसोस है, लेकिन मैं अपने पिता के कत्ल के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। मैंने तुम लोगों के लिए क्या नहीं किया, क्या नहीं? मारो मुझे, मारो, जाओ, निकालो अपने खंजर। वो दक्षिण में बढ़ता रहा हिंद महासागर की ओर। बगावत को दबाकर और बागियों को सजा देकर उसने वही किया जो ऐसे वक्त पर कोई भी बादशाह करता। लेकिन सच ये था कि फौज बढ़ चुकी थी और सिकंदर अब सबका चहेता नहीं रहा। हौसला रखो, हम साथ रहेंगे तो हमें कोई नहीं हरा पाएगा। ढाल से खुद को बचाओ और तलवार से वार करो। डरना बुजदली है, वक्त की बर्बादी है। ढाल तैयार रखो, लड़ने के लिए तैयार, आगे बढ़ो। सिपाहियों, अपने हथियार तैयार रखो, मेरे पीछे आओ। Let's go!
जाओ जाकर फार्मेक से कहो कि तुरंत वापस आ जाए। जी बादशाह। नदी किनारे हेबास्टन होगा, उससे कहो घुड़सेना को वापस ले आए। जी बादशाह। हमें जल्द से जल्द फ्रंटियर्स के पास जाना होगा। परछाई है, तुम और मैं एक साथ आखिरी बार मेरे दोस्त। जब तक जियो जान से जियो, और मरो भी तो ऐसी मौत की दुनिया याद रखे। चलो साथियों, पीछे मत हटो, बहादुरों की तरह आगे बढ़ो। तुम्हें जूस का वास्ता, हमला करो। Thank you.
ठीक तो है। ये सिकंदर की सबसे खौफनाक जंग थी, दहशत और दरिंदगी भरी गोली जंग। इंसानियत कहीं बहुत पीछे छूट गई थी। आखिर हिंदुस्तानियों ने सिकंदर को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मैसेडोन के सिपाहियों, हम घर लौट रहे हैं। घर लौट रहे हैं। सिकंदर की जिंदगी की दास्तान अगर हिंदुस्तान में पूरी हो जाती तो बहुत बेहतर होता, पर कुदरत को कुछ और मंजूर था। यूनान के एक और जाबाज योद्धा हर्क्यूलिस की मौत भी एक जहर बुझे कपड़े को पहनने से हुई थी, जो उसकी बीवी ने जलन के मारे उसे पहना दिया था। इस महान सफर से वापस लौटने से पहले सिकंदर ने देवताओं को खुश किया और पूरब से विदा लेकर केड्रोसिया रेगिस्तान से आने वाले सबसे छोटे रास्ते से होता हुआ बेबीलोन पहुंच गया। लड़ाई में कितने लोग मारे गए इसका कोई हिसाब नहीं। यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। पूर्वी इलाकों में 6 साल बिताने के बाद जब वो फिर से बेबीलोन पहुंचा तो उसने एक बार फिर दुनिया को हैरान कर दिया। यहां उसने 2 शादियां और की।
कल रात तक तो ये ठीक था। ये गंदे पानी का कसूर है बादशाह, इन्होंने शराब में पानी मिलाया था। पर ये कैसे हो सकता है, गंदा पानी आया कहां से? ओ आप परेशान ना हो बादशाह सलामत, ये सुबह तक तंदुरुस्त हो जाएंगे, लेकिन इन्हें शराब और गोश्त की मनाही है। आप चलिए, आइए आप भी आइए। अच्छा लग रहा है, जल्दी मैं ठीक हो जाऊंगा। हमें अरेबिया जाना है और मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा। अरेबिया याद है तुम मुझे शेखों के कपड़े पहनाकर तलवार से मारा करते थे? सिर्फ तुम ही थे जो मुझे कभी जीतने नहीं देते थे, सिर्फ तुम ही हो जो मेरे सच्चे वफादार हो। मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है, मुझे छोड़कर मत जाओ वाइस्टन। मेरे सिकंदर, मुझे वो नौजवान याद है जो अकेलेस बनना चाहता था और उससे भी कहीं आगे निकल गया। और तुम पेट्रोक्लस, और फिर क्या हुआ? हमारे सपनों को और कोई नहीं समझ सकता था। कितने खूबसूरत थे ना हमारे वो सपने, कभी बनते कभी टूटते। ओ फास्ट, मेरे जाने के बाद तुम्हें कौन संभालेगा? तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूं। लड़ो लड़ो है पास्टन, हम साथ मरेंगे, यही हमारी तकदीर है। हमारे बेटे होंगे और वो साथ साथ खेलेंगे जैसे कभी हम खेलते थे पास्टन। हम यहां से हजारों जहाज चलाएंगे और अरब मुल्कों का चक्कर लगाते हुए मिस्र तक पहुंच जाएंगे, और वहां से हम रेगिस्तान के बीचों बीच एक नहर बनाते हुए भूमध्य सागर तक चले जाएंगे, और फिर वहां से कार्थज, और जब हम सिसिली को फतेह करेंगे तो बहुत दौलतमंद हो जाएंगे, और फिर हम रोम को फतेह करेंगे, उन्हें हरा कर हम उत्तरी जंगलों की ओर बढ़ेंगे और हरक्यूलिस के खंभों तक पहुंचकर हमारा सफर खत्म होगा। और फिर एक दिन 10 साल से भी पहले बेबीलोन और इसके बंदरगाह दुनिया भर में सबसे मशहूर होंगे। अलेक्जेंड्रिया की तरक्की होगी, यहां लोग एक दूसरे के साथ नए रिश्ते बनाएंगे, एशिया और यूरोप एक हो जाएंगे, हम बूढ़े हो जाएंगे हेफेस्टस, और ऐसे ही देखेंगे हम इस नई दुनिया को। हेफेस्टस हेफेस्टस, गायब हकीम, इसमें मेरी कोई खता नहीं हुजूर, ये नामुमकिन है, मैं कसम खाता हूँ। ले जाओ इसको और फांसी पर लटका दो, ले जाओ। शांत हो जाओ सिकंदर। मक्कारो, तुम सब उससे जलते थे, सब के सब निकल जाओ यहाँ से। जाओ, सुना नहीं तुमने? जाओ, जाओ। तुम फिर नशे में हो, चले जाओ। मर गया वो। कौन? हर कोई उससे जलता था, पर तुम्हारे अलावा ये और कोई नहीं कर सकता था। हेफेस्टस मर गया। पागल हो गए हो? नीच औरत, तुम पागल हो गए हो? तुमने मुझसे वो सब छीन लिया जिससे मुझे प्यार था, जलन के मारे तुम इतनी अंधी हो गई कि सांस में खुद झुलस जाओगी। सिकंदर, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है सिकंदर। नहीं।
सिकंदर, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। सिकंदर मेरे पति, मेरी सरताज, मेरी कोख में तुम्हारा वारिस है। मेरा मेरा बदकिस्मत बेटा, छोड़ा मत मुझे दोबारा। सुबह होने से पहले ये आखिरी जाम। मेरे दोस्तों के नाम और हर राज के नाम। बैबलोन आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मैं तुम्हारा बेटा। रुको, रुको, तीतड़ो छोड़ो, तुम्हारा बेटा सिकंदर, सिर्फ 3 महीने और, छोड़ो, छोड़ दो मुझे। सिकंदर मेहरबानी करके हमें बताओ कि कौन इस तख्त का हकदार होगा, तुम किसे बादशाह बनाना चाहोगे? एक दिन मेरी तस्वीर। घबराओ मत, ये तो शुरुआत है। मैं याद रखूं वो कहानी फिर सच हो गई। और इससे भी आगे सिर्फ तुम्हारे चेक पर हम याद रखे जाएंगे। तुम्हारे पिता सियोस है। सिकंदर फौज में फूट पड़ जाएगी, सूबेदार बगावत कर देंगे, मुल्क में जंग छिड़ जाएगी। मेहरबानी करके कोई नाम है बताओ कि कौन इस तख्त का हकदार होगा। क्या कहा उन्होंने? सबसे काबिल। उन्होंने कहा सबसे काबिल? नहीं, उन्होंने कहा क्रैटरस। क्रैटरस? वो ऐसा क्यों कहेंगे? बेबीलोन फारस, ईसा पूर्व 323। 35 बरस से भी 1 महीना कम की उम्र में 10 जून को दरिया दिल सिकंदर के दिल की धड़कन बंद हो गई और वो अपने वादे के मुताबिक
हिफाइस्टियन के पास चला गया। पर इसमें कोई शक नहीं कि इस छोटी सी उम्र में ही उसने अपने पुरखे एखिलीस से भी ज्यादा शोहरत हासिल कर ली थी। हालांकि इसकी कीमत उसने अपनी जान देकर चुकाई, पर इससे भी उसकी शोहरत में इजाफा ही हुआ। मुझे लगता है कि शायद उसके पिता की मौत के पीछे उसकी मां का हाथ था, और ये बात सिकंदर को जिंदगी भर कचोटती रही। सिकंदर को तख्त चाहिए था, पर पिता की जान लेकर नहीं। ओलंपियस के गुनाह के दाग उसके मुंह पर भी लगे। उनके मृत शरीर के लिए हम आपस में कीटों की तरह लड़ रहे थे। फूट और लड़ाइयों की शुरुआत हो चुकी थी। 40 साल तक हम यूं ही रहे। कैसेंडर यूनान में, क्रेटरस और एंटीगनस पश्चिमी एशिया में, सोलुकस और फर्डिकस पूरब में, और मैं मिस्र में। और फिर हमने उसकी सल्तनत को 4 हिस्सों में बांट लिया। हुकूमत करने की कैसेंडर की ख्वाहिश 7 साल बाद खुलकर सामने आ गई, जब उसने ओलंपियस को मरवा दिया। और 12 साल के अंदर उसने सिकंदर के खानदान का नामो निशान मिटा दिया। रुखसाना और सिकंदर के 13 साल के बेटे तख्त के असली हकदार को जहर दे दिया। पर सच्चाई कड़वी होती है, और सच तो यह है कि हम भी उसके कातिल हैं। खामोश रहकर हमने कत्ल को रजामंदी दी, क्योंकि इससे कुछ हासिल नहीं होना था। नहीं तो यह बात तय है कि कल हमारा भी अंत वही होता जो क्लाइटस का हुआ। इतनी मशक्कत के बाद क्या हम अपनी सारी दौलत उन एशियाई लोगों को ले जाने देते? फारसी यूनानी मेल जोल, बाह, वो हमेशा यही कहता था। पर क्या बादशाह सिकंदर सिर्फ अपनी खुदगर्जी के लिए जंग नहीं लड़ रहा था? मुझे उसके ख्वाब पर कतई यकीन नहीं, किसी को भी नहीं। यही उसकी जिंदगी की सच्चाई है। ऐसे ख्वाब सभी नहीं देखते। दूसरों की जिंदगियां तबाह करने वालों को खुद मर जाना चाहिए। फेंक दो कागज कलम कैडमस, ये सिर्फ एक बूढ़े की बकवास है। तुम्हें लिखना चाहिए सिकंदर की मौत बीमारी की वजह से हुई। जी महान बादशाह। वो चाहता तो मैसेडोनिया में रहकर शादी करता और बच्चे पैदा करता, और एक रईस बादशाह की मौत मरता। पर फिर वो सिकंदर ना कहलाता। वो जिंदगी भर अपने डर से आजाद होने के लिए भागता रहा, भागता रहा, और इसलिए वो आजाद हो गया। ऐसा आजाद इंसान और कहां मिलेगा? मैंने तो नहीं देखा। उसका अकेलापन और नासमझों के साथ जरूरत से ज्यादा बेसब्री ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी थी। और अगर यूनानियों और एशियाइयों का मेल कराने की उसकी इच्छाएं कामयाब नहीं हुई, और क्यों कामयाब नहीं हुई? उसकी हार भी लोगों की जीत से ज्यादा शानदार थी। मैं बहुत बहुत लंबी जिंदगी जी चुका कैडमस, पर दुनिया सिर्फ उन्हें याद रखती है जो अपने ख्वाबों को जीते हैं, अपने वक्त से आगे चलते हैं। और ऐसे नामों में सबसे ऊंचा नाम है महान सिकंदर, विश्व विजेता सिकंदर।